हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास जो है आपकी रीजनिंग है, इसमें हम जो देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के 2019 में जितने एग्जाम हुए हैं उनमें आप जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से पूछे गए, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनका हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, इसमें कोई भी एग्जाम हो आपका, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसे ब्लड रिलेशन हुआ, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रीवियस ईयर आपके 2019 में एग्जाम हुए हैं अभी इसी वर्ष, तो उनमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब रीजनिंग के सेक्शन में आपको क्वेश्चन सेशन मिलेगा, जो 2019 में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि उसमें आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, नए क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहले मैं शुरू करूंगा जो आपका वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में। जैसे वीडियो में पेपर जो पहला शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था आपका कोडिंग डिकोडिंग से, वो था, देखिए, एक बोला गया था कि वाटर है, वाटर को कोड किया जा रहा है XCWIW में, और अगला एक और था, इसी में बोला था कि ड्रीम को कोड किया जाता है किसी भाषा में, उसे लिखा जाता है ET, स्पेस देके लिखना, ETHER, इथर। और आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था कि टाइगर का कोड क्या होगा। तो पहले कोडिंग और डिकोडिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स की वैल्यू क्या है, जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है वो आपको पूरी रट्टी होनी चाहिए कि ए किस पे आता है, जेड किस पे आता है, एम किस पे आता है, पी किस पे आता है, तो ये आपको रट लेना है, क्योंकि बहुत से सिर्फ 26 नंबर ही हैं आपके पास, 26 को ही याद रखना है कि कौन किस पे आता है। अगर नहीं याद है आपको तो एग्जाम में बस आप 2 मिनट में जब भी आपको रफ सीट मिले आप ABCD से लेकर जेड तक बना लीजिए, उसकी नंबरिंग कर लीजिए, ताकि आपको कोडिंग और डिकोडिंग करने में काफी आसानी रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे अब यहाँ पे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसकी नंबरिंग कर लीजिए। जैसे वाटर W की वैल्यू क्या होती है, 23। एक इस पे आप A जो होता है 1 पे होता है, T 20 पे होता है, E 5 पे होता है, R 18 पे होता है। ऐसे इसे देख लें तो X कितने पे होता है, 24 पे, ये 3 पे, ये 23 पे, ये 9 पे, फिर ये 23 पे। अगला वाले इसको सबको नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिख जाता है। नंबरिंग करने से ही हमें पता चलता है कि गैप कितने का है, और गैप हम तुरंत ही ढूंढ लेते हैं, और ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी हो जाता है। चलिए, डी आता है 4 पे, ये 18, ये 5, ये 13, ये 5, 20, 8, 5 और 18, सबकी नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद हम पहला स्टेप देखेंगे कि गैप कितना किससे कम है। चलिए देखिए, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, W से X, A से C, फिर T से W, अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, ये 23 से 24 प्लस 1 हो रहा है, A से C ये 1 से लेके 3 हो रहा है, मतलब कितने का आया, प्लस 2। अब इसमें देखो प्लस 3, एक सीरीज मिल गई। जब आपको किसी कोडिंग डिकोडिंग में एक सीरीज चलता मिल जाए, चाहे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, चाहे प्लस 1 ही का मिल जाए, चाहे प्लस 1 प्लस प्लस 2 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1 प्लस 2, एक कोई ऐसी सीरीज मिल जाए, समझ लो कि आपका रास्ता आसान हो गया है। अब ई से 9, मतलब 5 से 9 प्लस 4 प्लस 5, ये आपकी सीरीज चल रही है। वही देखने के लिए इसमें 2 दिया था कि वाटर को XCWIW में कोड किया जाता है और ड्रीम को इथर में कोड किया जाता है। देखिए यही चीज इसमें भी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक कोई एक कॉन्सेप्ट पहले वाले में आपका चला और दूसरे वाले में वो कॉन्सेप्ट नहीं चला, तो समझ लो जो टाइगर का दिया है आपका वो आंसर नहीं आ सकता। जो यहाँ फॉलो करेगा वही अगर इसमें भी फॉलो कर गया तो इसमें टाइगर का भी आंसर उसी स्टेप से आएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, 4 से 5 प्लस 1, इसमें 18 से 20 प्लस 2, और ये 5 से 8 प्लस 3, और ये DREA यहाँ पे होगा और यहाँ M होगा, तो ये 1 और यहाँ पे 13, तो 1 से प्लस 4 5, और ये 13 5 18, तो इसमें भी सेम वही चल रहा है। तो बस हमें टाइगर का कोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। टी किस पे आता है, 20 पे, आई 9 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। प्लस 1 करेंगे तो टी से एस आएगा, उसके बाद से प्लस 2 करेंगे, 9 से 10 11 के आएगा, इसमें प्लस 3 करेंगे तो 7 3 10 10 पे क्या आता है, जे आता है हमारा, और इस पे प्लस 4 करेंगे तो 5 4 9, मतलब आई होगा, और इसमें प्लस 5 करेंगे तो 18 5 23 डब्ल्यू आएगा, तो एस के जे आई डब्ल्यू इसका होगा आपका आंसर। 20 1 21, सॉरी, इसमें जो होगा ये एस के नहीं है, यू होगा, ठीक है, क्योंकि 20 के बाद 21 पे आपका क्या आता है, यू आता है, प्लस 1 होगा ना यहाँ पे, तो ये यू के जे आई डब्ल्यू होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्टर को किसी भाषा में रफ कर देता हूं, ठीक, एक वर्ड दिया है डायरेक्टर, उसको किसी संकेतिक भाषा में जो लिखा जाता है, जैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर को किसी संकेतिक भाषा में SCPHUQDD और एक ही बोला है कि, और एक शब्द और है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इसको किसी संकेतिक भाषा में SOFQDNVC लिखा जाता है। तो आपको बताना है किसका कोड, कस्टमर का, कस्टमर का क्या होगा कोड, इसे क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो अब पहले हम जो मैंने आपसे बताया बेसिक, आप क्या करो जितने भी नंबर दिए हैं उनकी सबकी जो भी लेटर है उनकी नंबर प्लेस वैल्यू लिख लो, 4, 9, 18, 5, 3, 20, 15, 18, यहां आ जाओ 19, 3, 16, 8, 21, 17, 4 और 4, ये डीडी है, इसमें लिख लो 16, 18, 15, 4, 21, 3, 5, 18, 19, 15, 6, 17, 4, 14, 22, 3। अब आपसे इस पे जैसे ही नंबरिंग कर लेगा तो आपको जो डिफरेंस कम मिलेगा, जिससे जहां से कम का डिफरेंस हो वहीं से हम सोचते हैं, जैसे 18 है तो यहाँ 19 दिख रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ एक से कहीं ना कहीं एक या दो से होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि कहां से हमारा बनेगा ये। अब देखते हैं, ये देखिए ये 18 है, 18 से ये 19 आया, मतलब इसमें हुआ प्लस 1, ठीक। अब 3 मतलब कहीं ना कहीं इसमें आसपास या तो एक हो या तो दो हो या तो 4 हो, ठीक, तभी उसका डिफरेंस कम होगा, जैसे यहां पे 4 मिल गया तो इस 4 से एक कम हुआ तो क्या हुआ, सी आ जाएगा। उसी तरह मतलब पहले एक यहां से लिटा रहे हैं, फिर एक यहां से, फिर अगला यहां से आएगा, ये 15 है तो प्लस होगा, जो इधर से पीछे से रिवर्स ऑर्डर से आ रहा है उसमें प्लस 1 हो रहा है, जो फॉरवर्ड से आ रहा है उसमें माइनस 1 हो रहा है, तो अब आई आएगा यहां से तो माइनस 1 होगा तो 8 पे आ जाएगा। सेम वही कंडीशन यहां देख लेते हैं, आपका पी के साथ 20 पे होता है तो ये 21 होगा प्लस 1, आर अब माइनस करके आएगा तो ये 18, तो 17 पे आ गया, चल रहा है सेम चल रहा है। उसके बाद फिर सी प्लस 1 होगा तो सी के साथ फिर डी होगा, और ई वाला जो होगा ये माइनस 1 होगा तो फिर भी डी होगा, मतलब हमारा चल रहा है कि यहां से प्लस 1 और इधर से माइनस 1 का, देख लें क्या वही प्रोसीजर यहां भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब देखते हैं, आर से एस प्लस 1 हुआ, 18 से 19, अब ये पी से ओ एक माइनस हो गया, हाँ सेम चल रहा है, देखो ई से एफ प्लस 1 माइनस 1 फिर प्लस 1 माइनस 1 फिर आपका प्लस 1 क्योंकि यू से वी और ये डी से आपका माइनस 1, 3 पे आ गया, ठीक। तो ये हमारा चल रहा है प्लस 1 माइनस 1, उसी से हम एक कस्टमर का कोड निकालेंगे। तो आप आर से क्या करेंगे, प्लस 1 एस होगा, उसके बाद सी से माइनस 1 बी होगा, ठीक, उसके बाद से ई से प्लस 1 आएंगे तो हमारा एफ हो जाएगा, फिर यू से माइनस 1 तो यू से माइनस 1 कहां जाओगे, टी पे, अगला एम से प्लस 1, एम के बाद क्या आता है एन आता है आपका, फिर एस से माइनस 1, ठीक यू हो ही गया था, एस से माइनस 1 तो एस से माइनस 1 आएगा तो 18 मतलब आर पे आ जाओगे, क्योंकि एस कितने पे होता है 19 पे, एक बार नंबरिंग कर लो 3, 21, 19, 20, 15, 13, 5, 18, ठीक यहां माइनस 1 हो गया। अब इसका फिर से प्लस 1 करोगे तो 15 प्लस 1 16, 16 पे क्या आता है आपका पी आता है, उसके बाद से फिर यस हो गया था माइनस में, अब इसका माइनस करोगे तो टी का, तो टी एक माइनस जाओगे तो कहां पे आओगे, एस पे आओगे, तो आएगा एस बी एफ, इसका आंसर जो होगा एस बी एफ टी एन आर पी एस होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये अभी जो मैं करा रहा हूँ वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में, वो पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपसे है कि एक्सटर्नल को किसी भाषा में, एक्सटर्नल को ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एक्सटर्नल को किसी भाषा में आई वाई यू आई एस ओ ई एम लिखा जाता है, फिर एक और शब्द है पार्टिकल को उसी भाषा में क्यू
ESUODMI लिखा जाता है। तो आपसे पूछा था कि एनालिसिस का कोड क्या होगा, फिर से वही मैं बोलूंगा कि सबकी नंबरिंग कर दो, 5, 24, 20, 5, 18, 14, 1, 12, 9, 25, 21, 9, 19, 15, 5, 13, ठीक। ऐसे ही इधर कर देते हैं, 16, 1, 18, 20, 9, 3, 12, फिर 5, 17, 5, 19, 21, वो कितने पे, 15 पे, 4, 13 और ये 9। सबकी हो गई नंबरिंग। अब देखते हैं कि आसपास हमें क्या मिलता है। जैसे ई से पहले चलें, ये 9 दिख रहा है, एक्स से वाई दिख रहा है, मतलब ये आसपास है, 24 के बाद डायरेक्ट 25, फिर 20 के बाद 21, फिर ई से आई, मतलब जो यहाँ गैप है वही यहाँ पे गैप है। तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में ये है आपका कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बाकियों के अपेक्षा। इसमें यह था कि आपका जो वॉवेल है वो नेक्स्ट वॉवेल से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, और आपका जो कॉन्सोनेंट है वो अगले वाले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस हो रहा है, मतलब उसमें कॉन्सोनेंट में एक प्लस हो रहा है और वॉवेल जो आपका अगला जो वॉवेल आ रहा है उससे रिप्लेस हो रहा है। तो ई के बाद जो आपका अगला वॉवेल आता है वो आई आता है, तो इसीलिए ई का जो कोड किया गया आई से किया गया, और इसमें बाकी सब जो आपके जितने कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस वन हुआ, तो एक्स में प्लस वन हुआ, ये भी कॉन्सोनेंट प्लस वन हुआ, अब फिर से ये वॉवेल है तो इसका नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा, आई, तो ये नेक्स्ट वॉवेल पे चला गया, ठीक है, यह नेक्स्ट वॉवेल पे चला गया। अगला आर, ये कॉन्सोनेंट तो प्लस वन, फिर प्लस वन, फिर ये वॉवेल है तो अगला वॉवेल क्या होगा, ई होगा ए के बाद, तो ये नेक्स्ट वॉवेल, ठीक है। अगला एल है तो एल के बाद प्लस वन, देखें क्या वही चीज इस पे चल रहा है, देखते हैं। पी के बाद क्यू, ये कॉन्सोनेंट तो प्लस वन होगा, 16 के बाद 17 पे आ गया, मगर ए देखिए वॉवेल है तो अगला वॉवेल क्या होगा, ई, सेम चल रहा है। आर के बाद प्लस वन, फिर प्लस वन, फिर अगला वॉवेल आई से अगला वॉवेल क्या होता है, ए ई आई, उसके बाद ओ, ओ पड़ता है तो ये हो गया नेक्स्ट वॉवेल। अगला सी के बाद डी प्लस वन, एल के बाद एम प्लस वन, ई, फिर वॉवेल आ गया तो अगला वॉवेल आपका आई आ गया। तो हमें करना क्या है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस वन करना है, वॉवेल में आपका नेक्स्ट वॉवेल से रिप्लेस करना है। तो आइए आंसर देखते हैं क्या होगा, ए से अगला वॉवेल, ए आपका वॉवेल है, अगला वॉवेल क्या आएगा, ई आएगा। बाकी जो कॉन्सोनेंट है नंबरिंग कर लीजिए, 1, 14, 1, 12, 25, 19, ये I है तो 9, 19, तो N कॉन्सोनेंट एक बढ़ेगा, M N O, उसके बाद A फिर से E से रिप्लेस होगा अगले वॉवेल से, L के बाद M आएगा प्लस वन, ठीक, Y के बाद Z आएगा, ये भी कॉन्सोनेंट है, S के बाद T आएगा, I के बाद O आएगा, I के बाद अगला वॉवेल O होता है, S के बाद फिर T आएगा, तो आपका आंसर होगा ई ओ ई एम जे टी ओ टी, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, इसमें बस यही था कि जो वॉवेल है वो नेक्स्ट वॉवेल से रिप्लेस हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जिस सेट में भी पढ़ा होगा। इसमें बोला जा रहा है किसी एक भाषा में कैबेज को ब्रिंजल कैबेज को बी बी ए एच जेड एफ बी लिखा जाता, उसी भाषा में ब्रिंजल को एन के एच बी क्यू एम ए लिखा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पंपकिन को क्या कहा जाएगा, ठीक, ये क्वेश्चन है, PUMPKIN पंपकिन को क्या कहा जाएगा। नंबरिंग करते हैं, 3, 1, 2, 2, 1, 7, 5, 2, 2, 1, 8, 26, 6, 2, 2, 18, 9, 14, 10, A1, ये 12, 14, 11, 8, 2, 17, 13, 1, ऐसे ही P किस पे आता है, 16 पे, ये 21 पे, ये 13, ये 16, 11, 9, 14 नंबरिंग कर लिए। अब देखते हैं कि कौन आसपास हमें मिलेगा। एक तो आप देखिए इसमें पूरे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके, ऑड है, 5 है, तो इसमें जो लगा है आपका कॉन्सेप्ट ये लगा है कि इसमें जो है आपका स्प्लिट किया गया है, 20 से पोर्शन से लिया गया है। जैसे यहाँ पे 2 बी आ गया, 1 बी, देखियो ये बी जो 20 से, इधर 3 है
आपके और इधर तीन है इक्वल, वैसे इधर ही देख लें कि एन भी इसमें बीच में पड़ा है तो एन आगे आ गया है, जो बीच वाला लेटर है जहां से स्प्लिट कर देंगे इक्वल पार्ट में उसको पहले लिख लिया गया है, ये समझ में आया। बाकी कैसे चल रहे हैं उसको देख लेते हैं। बाकियों में आपका देखिए जो बी यहां आ गया जो बीच वाला है आपका, तो ये जो तीन वाला तीन बचे इन तीनों में आपका क्या चल रहा है, ए से बी, ए से बी मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इसमें प्लस हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पे ये दो पे है। अगला ये जो बी से ए आया, क्योंकि जी से ए आने में तो काफी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, मगर यहां जब हम इसको देखेंगे इस दो ये तीन है बाकी अलग वाले, तो यहां से बी का ए का डिफरेंस कम है तो हम कम डिफरेंस से चलते हैं, तो बी का ए से जो डिफरेंस है वो कितने का है, माइनस एक का डिफरेंस है, ये हो गया माइनस एक। अगला देखें जी से एच, ये फिर प्लस वन हो रहा है, मतलब इधर वाला पार्ट आपका जो तीन है उसमें सब में प्लस वन हो रहा है और इस वाले पार्ट में आपका सब में माइनस वन हो रहा है, तो यहां से प्लस वन हो गया तो सेवन से एट हो गया। वही चीज ए से एक माइनस होगा तो जेड आ जाएगा, फिर ई से एक प्लस हुआ तो एफ हो गया, और वही सी से एक माइनस होगा तो आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो मतलब ये बना कि इस वाले पैटर्न में यह पड़ा कि आपका जो बी से स्प्लिट होने के बाद आपका जो राइट साइड में है उस सभी में एक एक प्लस हो रहा है और जो लेफ्ट साइड में सब में एक एक माइनस होके बन रहा है कोड। तो बीच वाले को जो मैंने एन था उसको लिख लिया, उसके बाद से ये अपना अलग हो गया जो बीच वाला पोर्शन था। उसके बाद हमारा जो राइट साइड का जो पोर्शन है उसमें जे से शुरू करेंगे तो जे से एक प्लस होगा तो यहाँ देखो प्लस के, उसके बाद से यहां से देखेंगे एन को छोड़ने के बाद आई, इसमें माइनस करेंगे तो नौ से एक माइनस हो गया आठ, फिर ए से प्लस होगा बी, फिर यहां से एक माइनस हो जाएगा, और फिर आर से, फिर यहां से एल से एम प्लस वन होगा और बी से ए माइनस वन होगा। मतलब सेम दोनों में सेम चला, तो वैसे ही हम इसको पंपकिन को भी करेंगे कोड। चलिए करते हैं इनमें, इसमें जो बीच में आएगा वो कौन सा लेटर आएगा, पी आएगा। देखिए पी आ रहा है क्योंकि तीन इधर हो रहे हैं और तीन इधर हो रहे हैं, तो मैं पी को पहले लिख लेता हूं, ये आपका होगा पहले पी। उसके बाद से आपका जो राइट साइड में है जिसे के है, के में प्लस वन करेंगे हम, के में प्लस वन करेंगे तो के बाद क्या आता है, एल आता है, के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है। अगला इस साइड से उठाएंगे आपके लेफ्ट साइड से एम को पहले उठाएंगे, तो एम से माइनस वन करेंगे, तो माइनस वन करेंगे तो एम से ये 13 पे होता है तो 12 पे क्या होगा, फिर से एल होगा। आई आपका 9 पे है इसमें राइट साइड वाला, तो इसमें प्लस वन होगा तो आई के बाद जे आएगा आपका, फिर U के बाद माइनस वन होगा तो U 21 पे आता है तो 20 पे क्या आता है, T आता है आपका। फिर N 14 पे है तो इसमें प्लस वन होगा तो 14 के बाद एक कहाँ पहुंचेंगे, 15 O पे पहुंचेंगे, और P से माइनस एक होगा तो ये 16 पे होता है तो माइनस एक होगा तो 15 होगा तो इसमें भी O होगा, तो इसका आंसर होगा पी एल एल जे टी डबल ओ। ठीक, ये हो गया आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सही था क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा था, इसमें एक दो पार्ट में डिवाइड करके एक फॉरवर्ड और एक जो आपका लेफ्ट साइड एक राइट साइड उनसे से एक एक करके आपका एक में प्लस हो रहा था तो एक में माइनस हो रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैम्फोर को HOR को कोड कर दिया गया है DCPTMUY में, ऐसे ही उसी भाषा में TROUBLE ट्रबल को कोड किया गया है UTRYGRL में, और आपसे पूछ रहा है कि प्लंबर का कोड क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आसान था। अब इसमें फिर से आप सबकी नंबरिंग करिए, 3, 1, 13, P16 पे 8, 15, 18, 4, 3, 16, 20, 13, 21 और ये 25, 20, 18, 15, 21, 2, 12, 5, 21, 20, 18, 25, 7, 18, 12। ठीक, ये आपकी नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद देखते हैं कि क्या मिनिमम डिस्टेंस हम पहले खोजते हैं, उसी बात से पता चल जाएगा कि कोड कैसे हुआ। जैसे 3 से 4 हुआ, 1 से 3 हुआ, 13 से 16 हुआ, मतलब आसपास का ही डिस्टेंस है। तो हम देखें 3 से 4 कितने का प्लस हुआ, 1 का प्लस हुआ, 1 से 3 कितने का प्लस हुआ, 2 का प्लस हुआ, 13 से 16 मतलब कितने का प्लस हुआ, +3,
16 से 20 प्लस 4 एक सीरीज मिल गई कि 1 2 3 4 आपका प्लस होता जा रहा है 5 प्लस 6 और r से y प्लस 7 8 7 15 मतलब y पे 25 आता है ठीक। नेक्स्ट सेम y चल रहा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 तो y करेंगे इसमें भी देखिए प्लस 1 पे तभी 20 से 21 हुआ प्लस 2 18 से 20 15 प्लस 3 18 21 प्लस 4 25 और 2 प्लस 5 7 l प्लस 12 प्लस 6 18 पे r आ गया और e प्लस 7 पे 12 आपका l आ गया। वैसे ही इसमें भी करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 p पे 1 प्लस करेंगे इसकी नंबरिंग कर लो 16 12 21 13 2 5 18 इसमें प्लस 1 करोगे तो 16 के बाद 17 मतलब q आएगा आपका l इसमें कितना करोगे प्लस 2 करोगे तो 12 प्लस 2 14 14 पे क्या आएगा n आएगा 21 प्लस 3 24 24 पे क्या आएगा x आएगा 13 प्लस 3 16 16 पे क्या आता है आपका p आता है 2 प्लस सॉरी यहाँ 21 प्लस 3 हो गया और n जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होगा यहाँ पे तो 13 प्लस 4 17 17 पे क्या आएगा q आएगा फिर आपका उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अब इस वाले में प्लस 5 5 प्लस 2 7 7 पे क्या आता है आपका g इसमें प्लस 6 6 5 11 11 पे k प्लस 7 8 7 15 फिर से 25 25 पे क्या आएगा y तो आंसर होगा q n x q z k y ठीक ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये सबसे आसान क्वेश्चन था ये जो आपका आया था ये जो अभी तक क्वेश्चन करा है ये पहले शिफ्ट में आया था ठीक ए सेट के जितने भी पेपर हुए थे उनमें आया था अब आपका जो बी सेट का जो पेपर हुआ है उसमें आपका सबसे आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग से और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो था ये आपका अल्फाबेट से नंबर का कोडिंग था जैसे क्वाइन को बोला गया 8574 ठीक वैसे ही अंटिल को बोला गया 94371 और आपसे पूछा कोकोनट का कोड क्या होगा। इस टाइप की कोडिंग सबसे आसान होती है जिसमें कॉमन कोडिंग कहते हैं कि मतलब आपको ढूंढना होता है इन्हीं में से ही ये लेटर बना होता है जैसे सी ओ तो यहां से मिल गया फिर सी ओ फिर वही मिल गया कोड एन यू टी तो एन यहाँ यू यहाँ टी यहाँ मतलब जो शब्द ये है यहीं से है तो हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना जो जहां पे जिसका कोड है वही होगा जैसे सी ओ का कोड क्या है 85 ये हो गया 8 और 5 फिर से सी ओ है तो फिर से 85 एन का कोड यहां से ढूंढ लेते हैं एन दूसरे नंबर पे तो 4 यू आपका 9 और टी कितने पे होगा 3 तो 8585493 ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सेम इसी पे था इसी पैटर्न पे था आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग पे पैटर्न पे जैसे इसमें था कि ज्वाइन ज्वाइन को कोड किया गया है आपका 8574 पॉकर को कोड किया गया है 95321 जोकर का पूछ रहा है आपसे तो इसमें भी वही कॉमन कोडिंग आपको अपनाना है क्योंकि जितने भी लेटर जिसका पूछ रहा है वो सभी इन्हीं दोनों में मौजूद हैं तो जे यहां मौजूद है जे का कोड क्या करोगे 8 ओ कहां है यहां है यहां है दोनों में सेम है 5 और 5 तो ओ का हो जाएगा 5 के ये आपका क्या है यहां पे है तीसरे नंबर पे तो तीसरे नंबर पे के का कोड क्या हो जाएगा 3 ई और आर इसी दोनों में है तो 21 तो 85321 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका सेम इसी पे है अल्फाबेट्स और नंबर पे अगला है आपका कि सी को 5 लिखा जाता है सीएट को 37 तो आपको बताना है जापान को क्या लिखा जाएगा उसी कोड में जैसे किसी भी कोड में अगर सी की वैल्यू 5 है और सी एट की वैल्यू 37 है तो आपको बताना है कि जापान की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि सी जो हमारे अल्फाबेट्स में आता है वो 3 पे आता है तो ये 5 इसे बोला है इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट किया कितने का 2 का तो ये भी ये 5 हुआ है ठीक। अभी हम इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ लेते हैं कि कितनी आ रही है 37 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये 3 ये 5 ये 1 ये 20 तो 5 3 8 1 9 टोटल हो गया कितना 29 और लिखा कितना इसमें
अगर इनकी प्लेस वैल्यू को हम सम करें, सी की सी तीन पे आता है, ई पांच पे, ए वन पे और टी ट्वेंटी पे, तो आएगा कितना 29, मगर लिखा कितना आपसे 37। मतलब जैसे यहाँ पे सी पे दो बढ़ा, मतलब तीन पे दो बढ़ा तो पांच हो गया, वैसे ही सभी लेटरों में दो इनकी प्लेस वैल्यू में दो दो इंक्रीमेंट होगा। तो जब दो दो इंक्रीमेंट होगा तो आपके पास कितने लेटर हैं, एक दो तीन चार, तो आठ और इसमें जुड़ेगा, तभी यहाँ पे 37 हुआ है। ठीक, तो वही लॉजिक बन रहा है कि जितने भी आपके लेटर उनमें उनमें दो दो वैल्यू आपके इंक्रीमेंट होंगे उनके प्लेस वैल्यू में। तो सी वही फंडा अपनाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। जैसे जे का हम पहले इनकी प्लेस वैल्यू को निकाल के सम कर लेते हैं और जितने लेटर होंगे सब में दो दो बढ़ेगा तो बाद में हम ऐड कर देंगे। तो जे हमारा किस पे आता है, 10 पे, ये 1 पे आता है, ये 16 पे आता है और ये फिर से 1 पे और ये 14 पे। तो आपका 10 20 10 30 10 40 और एक 41 ये एक हो गया, तो 10 20 30 10 40 41 और 42 टोटल यहाँ पे आएगा 42। ये 42 है जो इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू थी वो जुड़ा है, मगर ओरिजिनल नहीं जोड़ना है, उसमें हर एक के प्लेस वैल्यू में दो और एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो कितने लेटर हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच में दो दो एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो टोटल 10 बन जाएगा एक्स्ट्रा, तो 42 में 10 जोड़ देंगे तो 52, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 52। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है ये आपका हो गया, इससे था अब अगला क्वेश्चन है जो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा था, आसान क्वेश्चन था, मगर उसे जो लिखा था उसकी जो फॉर्मेटिंग था लिखने का यूपी ट्रिपल एससी का वो बहुत अलग था। जैसे आप लोग आईपी एड्रेस देखते होंगे उसी हिसाब से उसने जो उसकी प्लेस वैल्यू वो आईपी एड्रेस के फॉर्म में लिख दिया था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जैसे BUIL बिल्डिंग का जो कोड किया गया था वो किया गया 2.21.9.12.49147 स्काई APER, इसका कोड पूछा था। अब इसमें देखिए लिखा कि किसी कोड भाषा में बिल्डिंग को इस भाषा में कोड कर दिया गया, मतलब इतना पास पास आईपी एड्रेस की तरह, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस उसकी प्लेस वैल्यू ही लिखी है। जैसे बी किस पे आया था, 2 पे, यू 21 पे, आई 9 पे, हर प्लेस वैल्यू के बाद डॉट लग गया है, तो वैसे ही हमें इसका निकालना है कोड। तो 19 पे आएगा, फिर डॉट, के की वैल्यू क्या होती है 11, फिर डॉट, ये 25 पे, फिर डॉट, फिर 19, फिर डॉट, फिर 3, फिर 18, सबके बीच में डॉट लग गया, फिर 1 डॉट, फिर 116 डॉट, 5 डॉट, 18, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, जो भी प्लेस वैल्यू है सबकी लिख के डॉट लगाते चले जाओ, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लेन को किसी भाषा में, प्लेन शब्द है किसी भाषा में आर जे सी एल जी लिखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ट्रेन का कोड क्या होगा। ठीक, अब यहां से आपको पता करना है कि इसके इसके बीच में क्या रिलेशन है। प्लेन को किसी कोड भाषा में ये चेंज कर दिया गया, नंबरिंग कर लो पता चल जाएगा आपको जल्दी ही। पी आता है 16 12 1 14 5 18 10 3 12 7। अब इसमें देखो 16 से 18, फिर एल से 12 से 10 घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब प्लस और माइनस का हो रहा है, सीरीज चल रहा है। तो 16 से 18 कितने का प्लस हुआ, प्लस 2, एल से 10 आया माइनस 2, फिर यहां से 1 से 3 प्लस 2 और एन से एल माइनस 2, फिर आपका ई से 5 से 7, फिर प्लस 2, मतलब प्लस 2 माइनस 2 चल रहा है। तो वैसे ही चलेंगे, पहले प्लस से चल रहा है तो प्लस 2, इसकी नंबरिंग कर लें 20 18 1 9 14, तो 20 प्लस 2 22, 22 पे क्या आता आपका वी, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग को जितना आप फास्ट करोगे मतलब आपकी प्लेस वैल्यू स्ट्रांग होनी चाहिए। 18 माइनस 2 करेंगे इसमें तो मतलब 16 पे आ जाएंगे, उसके बाद से फिर प्लस 2 सी पे आ जाएंगे, इसमें फिर माइनस 2, तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे 7, 7 पे क्या आता है जी, फिर इसमें प्लस 2 करोगे तो 14 प्लस 2
16, 16 के पी क्या था आपका, पी, तो वी पी सी जी पी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अभी इसी समय जो 31 शायद जो भी आपको डेट नहीं पता है, मंडी परिषद का जब एग्जाम हुआ था आपका, उसी में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मंडी परिषद में एक क्वेश्चन आया है, एक तो यही था जो मैंने आपको डिस्कस किया ट्रेन वाला, अगला क्वेश्चन एक और था क्योंकि इसमें मंडी परिषद में आपसे कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछा था, तो अगला क्वेश्चन यही है। JULIM, जुलिम का अर्थ है केयरलेस, ठीक, ये एस है। क्यूटलिम का अर्थ है केयरफुल और कुटनॉल का अर्थ है हेल्पफुल। तो ये आपसे दिया गया था क्वेश्चन में काफी शब्दों में कि ये वर्ड है इसको केयरलेस बोला जाता है, कुटलिम को केयरफुल बोला जाता है और कुटनॉल को हेल्पफुल बोला जाता है। तो आपसे पूछा था हेल्पिंग का कोड क्या होगा, तो हेल्पिंग का कोड निकालने के लिए ऑप्शन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि यहां पे आईएनजी के फॉर्म में कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि एक बार आपको ऑब्जेक्शन का ये हो सकता है इसमें हो, क्योंकि कई जगह ये आपका जो पेपर है क्लियर नहीं हो पा रहा है, जहां से मैंने देखा वहां ऐसा लगता है कि जो लिखा गया है पहला आपका ऑप्शन FIRMOL लिखा गया है और ऑप्शन बी जो है GIFKUT, ऑप्शन सी जो है आपका WIDLIAM और ऑप्शन डी जो है आपका GOBZUV है। मगर जब ये आपका FIMOL अगर लिखा होगा तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्लियर नहीं हो रहा था कि FI क्या है, FIROML है या FIRNOL है, ठीक, तो अगर FIRNOL होगा तभी ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, जो भी जिसका हुआ हो किया होगा कि नहीं किया होगा। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे LIM दो चीज कॉमन है, तो दो चीज कॉमन है तो इसका मतलब यहां पे भी कोई दो चीज कॉमन होनी चाहिए तभी उसका कोड होगा। यहां पे देखो LIM और LIM मतलब केयर, यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन है, केयरलेस केयरफुल, तो यहां पे दो चीज कॉमन है JULIM और KUHLIM में, तो इसका मतलब LIM का कोड क्या होगा, LIM जो है इसकी कोड किससे किया गया है, केयर से किया गया है। ऐसे इन दोनों को उठा लें KUT और LIM दूसरे और तीसरे को, तो इसमें क्या क्या कॉमन मिलेगा आपका, KUT मिलेगा, ठीक, तो इस KUT का कोड किससे किया गया है आपका पता चल जाएगा, यहां पे दोनों में सेम क्या है फूल, ठीक, तो आपका KUT का कोड हो जाएगा फूल। तो यहां से आपका थर्ड से पता चल जाएगा कि NOL बच रहा है और यहां पे हेल्प बच रहा है, तो इसका मतलब कि हेल्प का जो कोड होगा वो क्या होगा NOL होगा। तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में जिसमें NOL होगा वही आंसर होगा, तो अगर यहाँ पे MOL होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बाकी किसी में NOL है ही नहीं क्योंकि हेल्प की जरूरत है और हेल्प जिसमें होगा उसका कोड NOL होगा, तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ए को छोड़ के, तो अगर यहाँ पे FRNOL होगा तभी आपका आंसर ए होगा। इस टाइप का क्वेश्चन था एक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान था, मंडी परिषद में ही आया था अगला क्वेश्चन भी, 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपसे, 3 या 4 क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन एकदम आसान था आपका, MINARET, इस शब्द को JFKXOBQ में कोड किया जाता है, तो कहा जाता है आपको कि बाई का कोड क्या होगा, ठीक है, तो आप देख लेते हैं पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, कैसे कोड किया गया है। तो M13 पे आता है ये 9, ये 14 और ये 1, ये 18, ये 5, ये 20, ये 10, ये 6, 11, 24, 15, बी आपका 2 और ये 17। अब देखते हैं इनमें क्या कैसे ये चल रहा है, इसमें से ये कितने पे आया, ये 13 है, फिर 10 कितने का डिफरेंस है, -3 का,
यहां से 9 से 6 मतलब -3 एंड 14 से 11 11 3 14 मतलब -3 तो सब में -3 का एक कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है ठीक। 5 से 2 -3 इसमें भी -3 तो इसका भी हम कोड कर लें सेम वही चलेगा -3 का तो ये 2 ये 21 और ये 25 यहां से हम जाएंगे 2 से -3 तो आपका आएगा y इससे -3 जाएंगे तो आपका क्या आएगा पढ़ते हैं अगला एक क्वेश्चन है ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ UPSSC के बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें लिखा गया आपका F को 3 लिखा जाता है H को भी 3 लिखा जाता है तो आप बताओ M की वैल्यू क्या होगी ठीक। तो आप सभी लोग जानते हो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपकी प्लेस वैल्यू पे है F तो 3 पे आता नहीं H की वैल्यू भी 3 है और F की वैल्यू भी 3 है तो इसमें जो आपको दिमाग लगाना है ये है कि F में आपके नंबर ऑफ लाइन कितने 1 2 और ये 3 तो F की वैल्यू 3 हो गई वैसे ही H में 1 2 और ये 3 ये भी आपकी 3 हो गई वैसे M में कितने नंबर लाइन है 1 2 3 और 4 तो इसका आंसर जो होगा M का जो होगा वो 4 होगा। बाकी इसमें लोग कई लोग जो ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं कई दिमाग लगाते रह जाते हैं और उनका आंसर नहीं आता क्योंकि वो जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू पे प्लस या माइनस होकर सोचते हैं मगर एग्जामिनर आपके सामने कैसा कोडिंग डिकोडिंग से किस बेसिस पे आपके सामने क्वेश्चन रख देगा खुद नहीं पता आपको तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग के चैप्टर में उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैं आपके सामने हमेशा जितने भी चैप्टर हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और किस पे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है ठीक।